तो आज इस वीडियो में टॉप 10 फैक्ट बताने वाला हूँ नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड, आई मीन जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं NSC। दोस्तों आइए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों, जहां नो कॉपी पेस्ट, नो टाइम वेस्ट दोस्तों, ओनली ट्राइंग टू गिव इन्फॉर्मेशन बेस्ट। दोस्तों जो फर्स्ट जो टॉपिक जो फैक्ट बताने वाला यू है ये है कि ये है क्या दोस्तों, एक प्रीमियर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनॉमस बॉडी है जो सेटअप किया गया दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। कब दोस्तों? 4 मार्च 1966। इसी के बेस पे दोस्तों हर साल 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है इंडिया में। थर्ड दोस्तों पॉइंट ये है कि ये किसके नाम से रजिस्टर्ड है दोस्तों, ये रजिस्टर्ड है दोस्तों अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 सब्सिक्वेंटली, और साथ में दोस्तों बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के अंडर में। दोस्तों ये NSC का दोस्तों काम क्या दोस्तों, ये बहुत सारे कंडक्ट किया जाता है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग कोर्सेज हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, सेमिनार एंड वर्कशॉप ऑल ओवर इंडिया में। और उसके बाद दोस्तों और इसका फैक्ट ये है दोस्तों कि ये और भी क्या कोर्स, हाँ दोस्तों ये वर्चुअल क्लासेस भी होता है, ई लर्निंग क्लासेस भी होगा, ऑनलाइन क्लासेस भी होता है नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू। फिर दोस्तों इसके लिए दोस्तों इनके पास 17 चैप्टर्स है। 17 चैप्टर मीन्स क्या दोस्तों, वो सब्जेक्ट का चैप्टर्स नहीं है बल्कि ये एक विंग्स है, एक ब्रांचेस कह सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में 17 ब्रांचेस हैं, चैप्टर्स हैं NSC के, जिसका एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने बताया है, वो आपको लिंक से आपको डिस्क्रिप्शन से या यहाँ से आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो दोस्तों 17 चैप्टर्स है। फिर उसके बाद दोस्तों सातवां जो इम्पोर्टेंट ये है कि दोस्तों ये बहुत सारे ऑडिटिंग वगैरह करते हैं, एक तरह से कंसल्टेंसी का काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या सेफ्टी ऑडिट करना हो, हजार्ड इवैल्यूएशन करना हो, इमरजेंसी मैनेजमेंट या प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, इस तरह का ऐसा कंसल्टेंसी भी काम करती है अप्रूव्ड। फिर उसके बाद दोस्तों 8 पॉइंट जो दोस्तों इसका 8 फैक्ट जो बताने वाला हूँ ये है कि बहुत सारे सेफ्टी जो कैंपेन होता है उसमें वो फैसिलिटेट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को, कैसे, जैसे आपको सेफ्टी डे मनाना हो, वो सेफ्टी कैंपेन हो गया, फिर उसके बाद रोड सेफ्टी वीक का कैंपेन हो गया, फिर उसका इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वीक का कैंपेन हो गया, इन्वायरमेंट डे कैंपेन हो गया, तो ये सब कैंपेन में ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटेट करती है। 9th जो दोस्तों ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे NSET नेशनल सेफ्टी एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, तो ये इससे पहले नहीं था, ये NSC के द्वारा ही ये लॉन्च किया गया, ये फैक्ट होगा। फिर 10th जो दोस्तों इसका आप मेंबर बन सकते हो और इसके बहुत सारे बेनिफिट है जो आप ले सकते हो दोस्तों। और उसके बाद और अगर कुछ रह गया तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइए, कमेंट्स करके लाइक शेयर और कर दीजिए।